नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी, आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोविडोन आयोडीन लिक्विड या फिर बीटाडीन लिक्विड के बारे में। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो दोस्तों, यह है बीटाडीन लिक्विड जो कि 100 ml और 500 ml के स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाता है। इसका जो फार्मूला होता है, ये कोविडोन आयोडीन 10% वेट बाय वैल्यूम इसमें मिला होता है। कोविडोन आयोडीन एक प्रकार से एंटीसेप्टिक लिक्विड है। इसका गार्गल भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलता है, जो कि अगर थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में उस गार्गल को लेकर के गलाला किया जाता है, जिससे जो है थ्रॉट इन्फेक्शन सही हो जाता है। गले में कोई दिक्कत होती है तो बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर माउथ में कोई दिक्कत होती है तो जो है बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बीटाडीन लिक्विड ये भी एक एंटीसेप्टिक है, इसमें भी सेम फार्मूला है कोविडोन आयोडीन, और इसका एक आइंटमेंट या फिर क्रीम भी आता है कोविडोन आयोडीन, उसमें भी होता है। बीटाडीन नाम से आपको मिल जाएगा, हर एरिया में आपको अलग अलग ब्रांड से मिल सकता है। तो बीटाडीन काफ़ी प्रचलित ब्रांड है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोविडोन आयोडीन जो है हमने बताया एक एंटीसेप्टिक है। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दो टर्म आते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो होता है ये लिविंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, ये खास डिफरेंस है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये जो है नॉन लिविंग सरफेस पे जो है ये अप्लाई किए जाते हैं, जैसे आपका फिनॉल हो गया, ये एक डिसइंफेक्टेंट क्लास में आता है। और एंटीसेप्टिक जो है ये बीटाडीन आपका आएगा, क्लोरहेक्सिडीन या फिर जो है बीटाडीन, ये जो है आपके एंटीसेप्टिक में आता है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो पैथोजन्स होते हैं सरफेस पे, लिविंग सरफेस पे, उसको ये किल करता है, उनके ग्रोथ को ये रोक देता है, जिससे जो है जो सरफेस है वो क्लीन हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है बीटाडीन जो लिक्विड है, इसका इस्तेमाल सर्जरी से पहले जो है जिस एरिया में सर्जरी करना रहता है उस एरिया को क्लीन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है, और कई बार इसको जो है कुंड की ड्रेसिंग करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये जो है कुंड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको ये किल कर देता है, जिससे जो है कुंड में फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है और वो अच्छे तरीके से जो है हील हो जाता है और जल्दी हील हो जाता है। तो ये जले पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जलने के बाद जो है, और एक ख़ास बात जलने में और ध्यान रखा जाता है कि जलने के बाद जो ड्रेसिंग नहीं की जाती है, केवल बीटाडीन लिक्विड या फिर बीटाडीन आइंटमेंट को लगा करके छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर ड्रेसिंग नहीं की जाती है। और जो वैसे कटा हुआ है घाव या फिर कोई जो है एब्सेस हो गई है या फिर कोई फोड़ा फुंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी इस लिक्विड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है, तो आप इसको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखेंगे, अपने घर पर भी आप इसको रख सकते हैं, कहीं आपको चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इस लिक्विड को लगाने से इन्फेक्शन होने का खतरा टल जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, ये कुछ हद तक जो है फंगस को भी डिस्ट्रॉय करता है, और ये एंटीवायरल एक्टिविटी भी दिखाता है, ये साबित हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हमने प्राइस बताना इसका भूल गया, इसकी प्राइस जो है आपको 100 ml का ये 107 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।